मैं कॉफ़ी वाला बटन प्रेस कर रही हूँ बिकॉज मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो देखा आपने, बिना किसी झंझट के सेकंड्स में आपकी जो कॉफ़ी है वो रेडी हो चुकी है। बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर झाग आया है और बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब आपकी कॉफ़ी रेडी है। अब हमें चाहिए चाय, तो उसके लिए हम चाय का बटन यानी कि टी का जो बटन है वो प्रेस कर देंगे और अब सेकंड्स में हमारी जो चाय है इज रेडी। हुई तो बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही ज़बरदस्त हमारी टी एंड कॉफ़ी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम देखेंगे हाउ टू यूज़ टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन। तो जी ये मैक्स टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है, आप देख सकते हैं, और इससे आप बहुत ही इजीली चाय या कॉफ़ी बना सकते हैं। यहाँ पर इसके फोर बटन्स है, कॉफ़ी, टी, और ये है सूप और हॉट वाटर, आप देख सकते हैं। और हमने बटन जो है वो ऑन कर दिया है और इस तरह की है। यहाँ से आपको जो भी चाहिए चाय या कॉफ़ी तो यहाँ से आपको प्रेस करने के बाद यहाँ से मिल जाएगा, इसमें कलेक्ट हो जाएगा, खाला कलेक्ट हो जाएगा इसमें। तो जी मैं आपको खोल कर बताती हूँ। ये तो सबसे पहले लॉक है, लॉक खोलेंगे हम। इस तरह हमने इसे खोलना है और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह के बॉक्सेस हैं और इसमें आपने चाय या कॉफ़ी भरनी होती है इन दोनों बॉक्सेस में। इस तरह हम लोग होते हैं, इस तरह आप इजीली से निकाल सकते हैं ये बॉटल और ये। और तो जी इसमें हमें टी और कॉफ़ी दोनों में भरनी है, तो इस तरह हम इसे ओपन करेंगे सबसे पहले। तो जी इस तरह हम इसे ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इसे क्लोज कर देंगे और इसमें हमने या तो चाय ये वाले इंस्टेंट कॉफ़ी, इसमें ना शक्कर पत्ती कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कॉफ़ी मिक्स है और ये चाय मिक्स है, टी मिक्स है। इसमें आपको शक्कर पत्ती और दूध कुछ भी ऐड नहीं करना होगा, सिंपल आपने वाटर का बॉटल लगा देना है ऊपर और इसको आपने इन कंटेनर्स में फिल कर देना है और फिर आप इसे अंदर फिट कर दें और फिर आप प्रेस बटन करके इजीली ले सकते हैं चाय या कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए। ठीक है, ये भी सेम, इसमें शुगर, मिल्क पाउडर सारी चीज़ें हैं, पाउडर हैं और आपने सिर्फ वाटर बॉटल ऊपर लगाना है वही बॉटल, और इसी में हम एक साथ ये दोनों भी भर के रख देंगे और जो आप बटन प्रेस करेंगे उसके ज़रिए निकलेगा चाय या कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये बॉटल लेंगे, ये है इंस्टेंट कॉफ़ी, आप देख सकते हैं, इसको हम पहले क्या करेंगे कट कर लेंगे कॉफ़ी मिक्स। ठीक है, और कॉफ़ी मिक्स को हम डालेंगे इसमें, ये 1 किलो का कंटेनर है, 1 kg, तो हम इसे अच्छे से इसमें फिल कर देंगे। हम इसमें हाफ फिल करेंगे, हाफ पैकेट हम रहने देंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा फुल हो जा रहा है ये, और पैकेट आई थिंक ज़्यादा है 1 किलो से। और उसमें अब इसका कंटेनर जो है हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, अब हम लेंगे चाय के लिए, तो ये भी खोल देंगे हम और इसको भी हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो चाय है ये पैकेट इंस्टेंट टी, तो ये इसको हमने कट करके सेकेंड वाले में हमने फिल कर देना है। ठीक है, अब इस वाले में हम इसे फिल कर देंगे। इसको भी हम लिड लगा देंगे और अब हम इसके अंदर दोनों को फिट कर देंगे। रुको, हाथ में तान दो थोड़ा, अभी ना हमें इसमें इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से,
और जी अब हम इसको, अब हम सिंपल इसको इस तरह से लॉक कर देंगे, ठीक है। हमने इसको अच्छे से लॉक कर लेना। और जी ऊपर जो ये होल है यहाँ पे आप 20 लीटर्स का बॉटल लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आप पूरा खाली और अब हम क्या करेंगे, आप इसे ऑन कर देंगे। तो बटन प्रेस करने के बाद ये ऑन होगा और फिर इसके ऊपर लिखकर आएगा हीटिंग। तो 5 से 7 मिनट तक ये प्रोसेस चलेगा और हीटिंग के बाद इसके जो ट्यूब्स है वो अच्छे से फ्लश करेगा एंड देन इसके ऊपर लिखकर आएगा मेक चॉइस। और मेक चॉइस के बाद आप बटन प्रेस करके जो भी आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कॉफ़ी या टी जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। और एक ही बार आपने बटन ऑन कर देना है ऊपर का, फिर दिन भर आप चाहे तो ऑन रख सकते हैं। और फिर आप सिर्फ बटन ऑन करके सेकेंड्स में आपको जो भी कॉफ़ी या चाय चाहिए आप ले सकते हैं इससे। तो इस वाले बर्तन में वो कलेक्ट होगा। अब मैं इसे हटा कर सादा सिंपल सा कप रख दूंगी, आप चाहे तो इसमें भी कलेक्ट कर सकते हैं, यूज एंड थ्रो के कप में भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं कॉफ़ी वाला बटन प्रेस कर रही हूँ बिकॉज मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो देखा आपने, बिना किसी झंझट के सेकंड्स में आपकी जो कॉफ़ी है वो रेडी हो चुकी है। बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर झाग आया है और बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब आपकी कॉफ़ी रेडी है। अब आप इसे बिना किसी झंझट के आपके गेस्ट या फिर फैमिली में आप इसे सर्व कर सकते हैं। जनाब हमारी कॉफ़ी रेडी है, अब हमें चाहिए चाय। तो उसके लिए हम चाय का बटन यानी कि टी का जो बटन है वो प्रेस कर देंगे और अब सेकंड्स में हमारी जो चाय है इज रेडी हुई। तो बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही ज़बरदस्त हमारी टी एंड कॉफ़ी रेडी है। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कॉफ़ी बहुत बढ़िया होती है बिकॉज़ इसमें झाग वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगता है, लेकिन जो टी है उसमें भी झाग होता है। दैट्स वाई टी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आती बिकॉज़ झाग वाली टी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यही रीज़न है कि मेरे घर में सिर्फ इंस्टेंट कॉफ़ी के पैकेट्स मंगाए जाते हैं एंड टी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।